हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर जनरेशंस। कंप्यूटर को क्लासिफाई करने के कई मेथड्स हैं, उनमें से एक मेथड है कंप्यूटर जनरेशंस। सो देर आर फाइव कंप्यूटर जनरेशन। इस सेशन में हम हर एक जनरेशन की करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, विच स्टार्टेड इन द ईयर 1942 एंड एंडेड 1955। इस जनरेशन में जो मेजर कंपोनेंट था दैट वाज वैक्यूम ट्यूब। एक कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। वैक्यूम ट्यूब के अंदर मेजर फिलामेंट होता था, जिसके कारण उसमें अ लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती थी। दैट्स व्हाई दे आल्सो कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ पावर। देन अनदर थिंग, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे एंड इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो लिमिटेड थी। इसमें ओनली मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। मशीन लैंग्वेज एक लैंग्वेज है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरो एंड वन। सो इसमें प्रोग्रामिंग वेरी टफ थी। देन स्टोरेज जो होती थी वो मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स में की जाती थी। एंड कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा था एंड बल्कि कंप्यूटर थे, दे टुक अ लॉट ऑफ स्पेस। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं, सम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर एनियक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। सेकंड वाज एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एंड यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देन इसके बाद 1955 से लेकर 1964 तक जो जनरेशन थी दैट वाज नोन एज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। इसमें जो वैक्यूम ट्यूब थी दैट वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स। तो मेजर कंपोनेंट इसमें ट्रांजिस्टर था एंड जो पावर कंजम्पशन ट्रांजिस्टर की है दैट इज़ स्मॉलर एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। सो इनमें जो पावर कंजम्पशन थी एंड परफॉर्मेंस थी फर्स्ट जनरेशन के कंपेरेटिवली बेटर थी, बट स्टिल इतनी अच्छी नहीं थी। देन इनका कॉस्ट भी थोड़ा डिक्रीज हो गया एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। साइज वॉज ऑल्सो डिक्रीज, थोड़े फास्ट हो गए, एक्सपेंसिव थोड़े कम थे। एंड इसमें जो स्टोरेज थी सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क्स वर यूज्ड एंड हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रन एंड कोबोल वर यूज्ड। ये एक मेजर चेंज थी फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में आपको बताया कि बाइनरी लैंग्वेज थी, तो इसमें फोर्ट्रन फॉर्मूला ट्रांसलेशन फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशन एंड कोबोल मीन्स कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज वॉज यूज फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस। एंड दीज लैंग्वेजेस, इनको हाई लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी मीन्स 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड ट्रांसलेटर्स और विच आर आल्सो नोन एज कंपाइलर्स। तो इसमें कंपाइलर्स डेवलप किए गए जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे। देन इनके एग्जाम्पल्स हैं एनियक 1401, IBM 700, डिजिटल डाटा कॉरपोरेशन PDP, हनीवेल एटसेट्रा। देन आफ्टर दैट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड इन 1964 अप टू 1975। इसमें अगेन जो टेक्नोलॉजिकल चेंज थी दैट इन दिस जनरेशंस ICs वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स। देन इंटीग्रेटेड सर्किट या जिसको हम IC कहते हैं, दैट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। और एक IC के अंदर अ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर रेसिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स हो सकते हैं। एंड जो टेक्नोलॉजी थर्ड जनरेशन में थी दैट वाज SSI एंड MSI। SSI स्टैंड्स फॉर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड MSI स्टैंड्स फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इनका अगेन साइज जो था सेकेंड जनरेशन से रिड्यूस हुआ। अगेन जो एक्सपेंडिचर मीन्स कॉस्ट थी इट वॉज डिक्रीज, थोड़े फास्ट हो गए एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। देन इन द बिगिनिंग इसमें जो मेमोरी थी वो मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज़ होती थी, बट लेटर ऑन दिस मेमोरी वाज सेमीकंडक्टर मेमोरीज विच इज़ कॉमनली नोन एज रोम एंड रैम। देन अगेन जो हाई लेवल लैंग्वेजेस सेकेंड जनरेशन में स्टार्ट हो चुकी थी, थर्ड जनरेशन में उनकी स्टैंडर्डाइजेशन हो गई, दैट वाज स्टैंडर्डाइज बाय NSAI। देन इसमें एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ कैश मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी का। कैश मेमोरी का मीनिंग है कि जो हमारे पास मेमोरी है दैट लुक्स फास्टर बट एज कम्पेयर टू इट्स ओरिजिनल स्पीड। एंड वर्चुअल मेमोरी में वी कैन यूज़ मोर मेमोरी एज कम्पेयर टू द मेमोरी वी हैव।
एंड इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ होना स्टार्ट हो गया। तो सम इसकी जो एग्जांपल्स हैं IBM 360, ICL 1900, देन मेन फ्रेम्स IBM के, सो दीज वर ऑल एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। देन इसके बाद फोर्थ जनरेशन दैट स्टार्टेड इन 70s एंड एंडेड इन 2010। इसमें जो मेन टेक्नोलॉजिकल अगेन चेंज आई दैट माइक्रो प्रोसेसर्स वर स्टार्टेड इन यूज़। तो इंस्टेड ऑफ IC माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने स्टार्ट हो गए। एंड माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड और इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल चिप। और इसमें क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स कैन बी प्लेस्ड ऑन ए सिंगल चिप एंड दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगेन इसका जो साइज था डिक्रीज हो गया, एक्सपेंस कम हो गया, फास्ट हो गए एंड दीज आर इजी टू हैंडल। अनदर थिंग, इसमें CRT स्क्रीन कैथोड रे ट्यूब जिसको हम मॉनिटर भी कहते हैं, तो मॉनिटर्स कॉमनली यूज़ होने लग गया। प्रिंटर्स टेक्नोलॉजी में लेज़र एंड इंकजेट प्रिंटर डेवलप हो गए। स्कैनर्स विच आर यूज टू इनपुट अ पिक्चर, दीज आर ऑल्सो डेवलप्ड इन फोर्थ जनरेशन। सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स वो एज ए मेन मेमोरी यूज़ होने लग गई एंड हार्ड डिस्क कॉमनली यूज़ होने लग गई एंड इनकी जो कैपेसिटी है दैट वॉज इंक्रीज्ड। लोकल एरिया नेटवर्क LAN एंड WANs वाइड एरिया नेटवर्क वर ऑल्सो डेवलप्ड इन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। अगर हम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेजेस की बात करें तो इन दिस सी लैंग्वेज वॉज ए मेजर रेवोल्यूशन एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज ऑल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। देन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विच इज़ कॉमनली नोन एज GUI, दैट वॉज अगेन मेजर चेंज इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। अगेन इसकी पावर कंजम्पशन लेस हो गई, परफॉर्मेंस वॉज हाई एंड स्पीड वॉज कंपेरेटिवली हाई देन फर्स्ट 3 जनरेशन्स। एंड अनदर जो इसकी मेन इम्पॉर्टेंट बात थी कि जो कंप्यूटर जो पहले सिर्फ साइंटिफिक पर्पस या बिजनेस एप्लीकेशंस में यूज़ होता था, नाउ कंप्यूटर वाज अवेलेबल टू फॉर यूजिंग इन होम्स। एंड जो फर्स्ट यूज़ था कंप्यूटर का, होम यूज़र कंप्यूटर, दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 1981 बाय IBM एंड इसके बाद 84 में एप्पल के कंप्यूटर्स आने स्टार्ट हो गए। देन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो 2010 से हम कह सकते हैं कि स्टार्ट हुई, प्रेजेंट चल रही है और बियॉन्ड भी चलती रहेगी। इसमें जो मेजर अगेन चेंज थी दैट वाज द यूज़ ऑफ ULSI विच स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें लैक्स ऑफ कंपोनेंट्स कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल चिप। एंड अगेन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें जो मेजर चेंज थी दैट वाज द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ जो कंप्यूटर्स हैं दे कैन थिंक लाइक ह्यूमंस एंड दे कैन बी ट्रेंड टू बी एक्टिंग लाइक अ ह्यूमंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी कैन से सम डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस इज देयर इन कंप्यूटर्स, बट स्टिल अभी वो कम्प्लीटली इंटेलिजेंट नहीं बन पाए हैं। देन अनदर एरिया इज NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ हो रही है, लाइक वी कैन ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अनदर, इंग्लिश टू पंजाबी और पंजाबी टू हिंदी विद द हेल्प ऑफ दीज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। पैरेलल प्रोसेसिंग का कंसेप्ट है, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही हैं। देन जो इंटरफेसिस है कंप्यूटर के साथ दे आर मोर यूज़र फ्रेंडली, लाइक वी कैन गिव कमांड टू कंप्यूटर बाय अवर स्पीच आल्सो, वॉइस कमांड्स आर देयर इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। कंप्यूटर थिंक कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। देन दीज आर यूज इन रोबोटिक्स एंड इन डिफेंस सिस्टम्स आर ऑल्सो यूज। एंड टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में जावा जो है मेन इसमें इवॉल्व हुई है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में, विच इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड इट इज़ ए मेजर लैंग्वेज विच इज़ यूज फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग। पोर्टेबल नोटबुक्स विच आर लैपटॉप्स स्मार्टफोन्स दैट आर बींग डेवलप्ड इन फिफ्थ जनरेशन। देन स्टोरेज टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज्ड, डिस्क स्टोरेज कैपेसिटीज नाउ इन टेराबाइट्स एंड पेटाबाइट्स ऑल्सो। देन देर इज़ ए कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट वर्ल्ड वाइड वेब दैट वॉज इवॉल्व इन लेट फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, जिसके जिसमें हम ईमेल, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। देन न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डिवेलप्ड लाइक विंडोज, लाइनिक्स,
एंड एग्जाम्पल्स वी कैन सी डेस्कटॉप्स लैपटॉप्स नोटबुक्स स्मार्टफोन्स दीज आर ऑल फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स एंड दीज आर वेरी यूजफुल विच आर यूज इन नंबर ऑफ एरियाज. सो होपफुली आपको कंप्यूटर की फाइव जनरेशन के बारे में डिफ्रेंशिएट हो गया होगा आफ्टर सीइंग दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सेशंस.